डियर स्टूडेंट्स, क्लास फाइव का ये मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 49। तो इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि पैसे को रुपये में चेंज करना है और रुपये को पैसे में चेंज करना है। इस तरह से बतलाना है आपको रुपये को कैसे पढ़ा जाता है, पैसे को किस तरह से पढ़ा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक्सरसाइज 49 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है, यहाँ पे रुपीज़ में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है पैसे में, कन्वर्ट इनटू पैसे। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था कि हम लोगों को जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाना पड़ता है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड पर। हम लोगों के पास यहाँ पर दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो यहाँ पर 0.09 रुपीज़, तो यहाँ पर रुपीज़ में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर है पैसे में, जो भी आएगा तो पैसे में। तो यहाँ फर्स्ट में हम लोग दिखाएंगे इसको, थोड़ा सा डिटेल में बनाएंगे। तो रुपीज़ वन, एक रुपये में कितने पैसे हुए, ठीक है, रुपीज़ वन इक्वल टू कितने पैसे, 100 पैसे। तो हमारे पास कितना रुपया है, इतना है, रुपीज़ 0.09 इक्वल टू कितने पैसे हो जाएंगे। तो हमारे पास पहले से जितना है 100 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास है 0.09, इस तरह से। या आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, दोनों को किसी तरह से लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, आप देखिए कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, मतलब पॉइंट जो है इधर जाता है। तो यहाँ 2 जीरो है तो पॉइंट 2 बार इधर जाएगा राइट साइड की ओर, तो एक बार इधर गया फिर एक बार इधर गया, इसका वैल्यू कितना बन गया, 9 बन गया, इसका वैल्यू 9। तो 9 जो है वो पैसे में आएगा क्योंकि रुपया का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, रुपया में इधर 0 है तो कुछ भी नहीं है रुपया, तो इसका हो गया 9 पैसे। इस तरह से इसका आंसर हो गया। इस तरह से यहाँ पे बी नंबर में क्या है कि रुपया में इसका 0 वैल्यू है तो रुपया में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको भी उसी तरह से करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, अब शॉर्ट में बनाते हैं, एक डिटेल मैंने बता दिया है। अब शॉर्ट में क्या करना है, इसको डायरेक्ट जो है 0.29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जो है पॉइंट 2 बार राइट साइड जाएगा, 1, 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 29। तो ये पैसे में आएगा क्योंकि रुपीज़ में तो कुछ है नहीं, तो 29 पैसे। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी और डी पार्ट है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, शॉर्ट में लेंगे। तो करना क्या हम लोगों को, इसको पैसे में चेंज करना है। तो हमारे पास कितना है, 1.09, और सिंपली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 100 में 2 जीरो है, ये पॉइंट जो है राइट साइड की ओर 2 बार चलेगा, 1, 2, कंप्लीटली कितना आ गया, 109 पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 70.80, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो पॉइंट 2 बार जाएगा, कंप्लीटली कितना हो जाएगा, 7080 पैसे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है ई नंबर। तो ई नंबर में कितना दिया हुआ है, रुपीज़ 139.93। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 139.93 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और हम लोगों को क्या मिलेगा, ये पॉइंट इधर 2 बार जाएगा, तो 139 और 93 इसमें ही रह जाएगा। तो इतने पैसे हो जाएगा, इतने पैसे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है, एफ और जी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो 1/4 दिया हुआ है, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो ये जो कटता है इसको काट लेते हैं, 4 से 100 कटेगा कितना बार में, 25 बार में। तो कंप्लीटली आया क्या, 25। तो इसका मतलब है कि 25 पैसे, 1/4 का मतलब है 25 पैसे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन जो है उसको सीधा कर लेते हैं, 10, 3 जा 30 और 1, 31 हो गया, तो 31/10 हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो इस ये तो कट गया यहाँ पे, तो 31/10 जा कितना हो जाएगा, 310, इतना पैसे हो जाएंगे पैसे, और ये इसका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से एक्सरसाइज 49 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है। इसके अलावा जो आप कमेंट करते हैं उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर वीडियो बनाया जाता है। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।